नमस्कार, क्या हालचाल है। आई एम क्रेबैज एंड वेलकम टू क्रेबैज टीवी, जहां पे डायरेक्टर मैं ही हूं, प्रोड्यूसर मैं ही हूं एंड आशा करता हूं कि एटलीस्ट व्यूअर मैं अकेला नहीं रहूंगा। एनीवेज, तो लास्ट एपिसोड में पीछे जो बैटल टावर दिख रहा है ना, वहां का एक जो टावर गोलम था उसको मैंने टेलीपोर्ट एरो के थ्रू कहीं तो भी नीचे फेंक तो दिया, लेकिन दिख नहीं रहा है वो कहाँ है। ओके, वो स्केलेटन है, वो नहीं, इग्नोर करो, कहीं तो भी नीचे गिरा है। बट ठीक है, टावर अपनों को मिल गया, अपन ने ऊपर की दोनों चेस्ट लूट ली, दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी अच्छी लूट मिल गई। अभी आगे क्या करना है, तो आगे मुझे ऐसे ही ढेर सारे बैटल टावर ढूंढने हैं, उनके टावर गोलेम को नीचे फेंकना है, उनकी चेस्ट लूटना है एंड होपफुली इतना सारा लेवल कलेक्ट करना है जिससे मैं आज ड्रैगन आर्मर पहन पाऊँ। आई नो दैट्स इम्पॉसिबल बिकॉज मैं हार्डकोर कॉन्फ्लिक में हूँ, इसमें बड़ी कंजूसी से एक्सपी मिलती है, लेकिन सपने देखने में क्या जाता है। सो लेट्स गो एंड लेट्स मेक आवर ड्रीम कम ट्रू। Day 2 होंगे, हमारे सपने सच होंगे। Day 3 भाई कुछ नहीं हो सकता अपना। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, मैं यहाँ से देखो, यहाँ बता, यहाँ से सीधा 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 करके पूरा यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन मुझे एक भी बैटल टावर नहीं मिला अभी तक। मुझे ये एक चीज़ मिली है जो कि थोड़ी बहुत बैटल टावर से रिजेंबल कर रही है, लेकिन उसके अंदर जा ही नहीं सकता मैं, बिकॉज डिफिकल्टी 6 है एंड उसके अंदर तो तुमको पता है भाई 100-150 तो स्पॉनर रहते हैं। सो क्या करूँ मैं अभी, मेरा एक्सपी कलेक्ट करने का सपना, अरे राम कहाँ जाऊँ मैं। तू क्या चेचे कर रहा है? व्हाट इफ रास्ते में जितने भी शिप्स मिली वो सारी लूटी मैंने, कुछ तो एक्सपी मिलेगी। सो अपने काम करते हैं, ठीक है, उस वक्त डायरेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे होप करते हैं कि एक बैटल टावर मिल जाए, अगर नहीं मिला तो शिप्स लूट लेंगे। ये मेरा हेडफोन खराब हो गया क्या? हेलो, क्या हो गया, आवाज़ कहाँ गई मेरी? चंक भी कुछ तो स्ट्रक्चर स्पॉन होने वाला है भाई, आवाज़ चली गई, चंक लोड नहीं हो रहे, प्लीज़ ढंग का स्ट्रक्चर दे। ओ वाओ, ओ नाइस, ओके, ये जगह पे बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं, तो आई थिंक वहाँ से अपन एक्सपी कलेक्ट कर सकते हैं। वाओ, ओके, ठीक है, अपना लक एकदम बर्बाद नहीं चल रहा है, थैंक गॉड। देखा, भगवान जब देता है ऐसे छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। बात अभी ऐसी है कि जितना भी वीट है ना, आधे से ज़्यादा अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। सो उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक एबिलिटी है ग्रीन थंब। तो ये क्या करता है कि तुम्हारे आसपास जो क्रॉप्स है उनको एक एक्स्ट्रा ग्रोथ टिक दे देता है 2% चांस में, वो हर एक लेवल के साथ बढ़ते जाता है। तो ये मुझे यूज़ करना है सारी की सारी क्रॉप्स को जल्दी बढ़ाने के लिए, बट उससे पहले मेरे को एक वेस्ट स्टोन ढूंढना पड़ेगा मेरी इन्वेंट्री खाली करने के लिए। आई डोंट थिंक ये वाले विलेज में कहीं वेस्ट स्टोन मिलेगा। ओ डूट व्हाट, ओके ठीक है, फ्यूचर में कहीं पे अपन को अगर आइस ड्रैगन को मारना होगा, सो ओके ठीक है, वी नो इट्स लोकेशन एंड बहुत ही शानदार, वहाँ पे सी सर्पेंट भी है, वाओ, सारे के सारे प्रेडेटर मेरे आसपास ही घूम रहे, सही है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है अपन ये किंगडम में, आहा हा, मज़ा ही आ गई। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए यहीं पे अपना अपन टेम्प्ररी स्पॉन पॉइंट लगा लेते हैं, तो एटलीस्ट एक काम तो डन है। ओ ओ भाई, बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे घुस रहे हैं? अच्छा, फिशरमैन है, ठीक है भाई, तो घर के अंदर आ तो चुका है, बाहर नहीं निकलेगा। अभी बेटा तेरा ऐसा हाल करूंगा ना कि समझ में नहीं आएगा देखो, कि लेवियोसा बोलना है या लेवियोसा बोलना है, समझा कि नहीं? डूट में कोई समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अंधेरा आ कहाँ से रहा है, मतलब कुछ भी तो नहीं है आसपास में। हेलो मदर, आए क्या से क्यों आ रहा है ये डूट, ऊपर ये तो क्या है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से ये परेशान कर रहा है बाजू में आके, अभी कहाँ गया ये? वो देखो अभी दूर चला गया डूट, सिर्फ डराने के लिए आया था बेशरम इंसान। अभी जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे एक घर है जो पूरे किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट घर है, बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग के बाहर इन्होंने एक वाटर व्हील बनाई है एंड उसका जो एक्सेल है ना, एक्सेल ही बोलते हैं ना ये, कौन है, गोल्डन आई का, ओके, वाटर व्हील का क्या रहता है, वो डंडा निकला उसका एक्सेल ही बोलते हैं ना शायद, तो वो पूरे का पूरा आयरन के ब्लॉक से बनाए, विच इज़ वाह, अमीर करने वाली चीज़ है। ये बेशरम को देखो, यहाँ टंगेगा वहाँ टंगेगा, लेकिन जब मैं क्रॉप तोड़ने जाऊँगा आ जाएगा मेरे पीछे। हाँ सेक ले, धूप सेक ले, जल जा धूप सेक के। हाँ तो अरे बापरे, तो देखो अभी मेरा प्लान ऐसा है, यहाँ से लावा कलेक्ट करके मेरे को बनाने हैं 2 ऑब्सीडियन जिससे मैं बनाऊंगा रीफोर्जिंग स्टेशन एंड उससे मेरे सारे के सारे आर्मर को रीरोल करके अगर 1 या 2 उसमें लोकेशनल आर्मर मेरा बढ़ पाया सो अच्छा खासा डिफेंस बढ़ जाएगा, राइट, एंड ये वाले डिफ़िकल्टी लेवल पे शायद काम आ जाए वो। ओ डैम, ये तो भूल ही गया कि इसको तोड़ने के लिए डायमंड पिकैक्स लगेगी, अरे राम क्या करने का अभी। ओके, एक और ट्रिक है जो कि मे भी काम करे मे भी ना करे, लेकिन उसके लिए अपन को रात का वेट करना पड़ेगा। या सो द ट्रिक इज़ कि बेड से तुम 5 ब्लॉक के डिस्टेंस पे रहो, नाइस, एंड अभी राइट क्लिक स्पैम करते रहो, स्पैम करते रहो करते रहो एंड इवेंचुअली हाँ रीपर स्पॉन होगा, फिर उससे लड़ो।
अरे बाप रे, फाइनली इतनी लंबी चली ना फाइट। ठीक है, दो मिल गए, थैंक गॉड, मेहनत वेस्ट नहीं गई मेरी। हाँ, अभी थोड़ा पावरफुल फील कर रहा हूँ मैं, एंड साथ में आयरन स्किन अपग्रेड की तो ओहो हो, इनविंसिबल। भाई कैसे फुल हेल्थ पे वन शॉट मार रही है यार ये। आई थिंक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये गेम में ना स्पाइडर का बहुत ही गंदा हिटबॉक्स है, तो लग ही नहीं पा रहा, ऊपर से डिफिकल्टी 8 पे खेल रहा हूँ मैं। सो मुझे ना चिपक के खेलने की जगह अपने एपीएन पे बैठ के, वो जो एक ब्लाइट ज़ॉम्बी है उसको ये टावर से बाहर निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद मारना पड़ेगा। आजा 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 आजा, नाइस, नीचे गिरा ना, नाइस गिर गया, ओके। अबे यार वो बंदे के बाजू भाई, भाई प्लीज़ उससे चिपक के मत रहे, ठीक है। वो अच्छा खासा वहाँ पे बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है वो वेकेशन अपना, करने दे उसको, उसको डिस्टर्ब मत कर। फाइनली मरा भाई साहब, 950 हेल्थ का बंदा था वो, कभी लाइफ में देखा तुमने 950 हेल्थ का ज़ॉम्बी? जन्म लग गया उसको मारने में, बट उसके कारण एटलीस्ट ऊपर वाले लेवल पे तो कोई नहीं रहेगा, मैं सिवाय इक्के दुक्के ज़ॉम्बी के। व्हाट द फक भाई, एक और ब्लाइट भाई, इतना कॉमन एक ब्लाइट है ना भाई, क्या गेम खेल रहा हूँ मैं ये। सही है, जो बंदा अपनी बॉडी लेने आया है उस पे तुम पॉइजन छोड़ दो, सही है, नाइस, ओके। एक प्रॉब्लम डन है, अभी या तो तू नीचे गिर या तो, नाइस, ओके ठीक है, सुन लिया उसने, एंड अभी अंदर घुस जा, ओके। जब तक वो नीचे है तब तक ये वाला यहाँ से ब्लॉक करो एंड ये वाला इधर से ब्लॉक करो। बेबी ज़ॉम्बी तो नहीं है ना, ओके काम कर दे, जस्ट टू बी सेफ कि कोई बेबी ज़ॉम्बी यहाँ पे ना आए, यहाँ से खोद के इधर एक दो ब्लॉक की वॉल लगा देते हैं सो दैट ऊपर आ ही नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं है, एंड अभी आजा भाई, 1140 हेल्थ है डूड, ये ज़ॉम्बी कितनी हेल्थ है तो ड्रैगन की कितनी रहेगी, डोंट टेल मी 10,000-50,000 में जाएगी उसकी हेल्थ। आठ हार्ट क्रिस्टल शार्ड्स, वाओ, मतलब बंदे ने फाड़ के रख दिए, बट दिल का अच्छा है बंदा। अभी झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन वो ज़ॉम्बी की हेल्थ देखी मेरी बहुत फट चुकी है, सो आई थिंक ड्रैगन से लड़ना अपन पोस्टपोन करते हैं, ये वाली डिफिकल्टी में तो भाई बिल्कुल नहीं लड़ने वाला हूँ मैं चुपचाप घर जाऊंगा एंड 1 या 2 डिफिकल्टी वालों को संभालूंगा भाई, अभी अपन 8 डिफिकल्टी वाले के लिए रेडी नहीं है। तो प्लान अभी ऐसा है कि ड्रैगन से ना लड़के अपन ये भैया से लड़ेंगे, आई होप आई डोंट डाई। अभी सबसे भारी काम इसकी स्केल्स ढूंढना, ओ नो 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 नो, रात में बिल्कुल नहीं, कल सुबह आएंगे अपन वो सब करने, नोप, भूल गया था मैं, रात में भयानक वाले मॉब स्पॉन होते पानी में, हरे राम, ओके ठीक है कल आएंगे अपन। यार ये क्या जगह हो गई है, मतलब एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पे वो गोले मार मार के रेलिक्स मिलते थे, अभी तो क्या है ये कचरा, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। ये देखो हड्डियाँ वड्डियाँ मिल रही है, सीड मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, एक तो ढंग की चीज़ दे दो। वाह वाह वाह, सबसे ढंग की चीज़ पेपर दिया, वाह सही है, बाप रे दिस इज रियली डेंजरस मैन, आधे टाइम मेरी यही फटी पड़ी रहती है कि एक और सी सरपेंट ना आ जाए। अरे बाप रे, PTSD है मेरे को ये RL क्राफ्ट के पानी से। और स्केल प्लीज, कोई तो मॉब प्रकट मत हो जाए भाई, वो एक घोड़ा तैर रहा है वो ही रहने दो, ओके XP जी, अब अभी थोड़े लालची हो रहे लेकिन होना पड़ेगा। इतनी तंग आई है XP की कि जहाँ से बटोर सके वहाँ से बटोर लो वाला काम है। ओके वेर सेफ, कितनी मिले अभी, 3, भाई अलग ही लेवल का कंजूस था यार ये सी सरपेंट, लेट्स गो। ठीक है तू पानी में घुस गई, नहीं 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 नहीं, पानी में नहीं घुसना है, नहीं 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 नहीं, पानी से बिल्कुल दूर, पानी से बिल्कुल दूर, ऐसे ही नाइस, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर, एक नंबर, बहुत ही शानदार, नाइस, सी आई एम ए लेडी किलर। उसको देखो वो नाव पे चढ़ के बैठा है, इतना बड़ा पानी आजू बाजू, वो छोड़ के नाव में बैठा है, क्यों? क्योंकि बचपन में उसको नाव वाला खिलौना चाहिए था, पर उसकी मम्मी बोली हाँ बेटा जब तुम बड़े होंगे ना तब तुमको लेके देंगे, तो अभी बंदे को लग रहा है कि यही उसका खिलौना है। क्या बात कर रहा हूँ यार, ये क्या बंदा है, मतलब बाकी टाइम यहाँ वहाँ चलता रहेगा लेकिन जैसे ही मैंने उसको एरो मारा एक जगह खड़े हो जाएगा। भाई कुछ तो हिले, हेलो, कुछ तो ऐसा स्ट्रगल कुछ तो कर ले, तेरी जान का सवाल है, लोग बोलेंगे बुली कर रहा हूँ, देखो कुछ तो थोड़ा सा तो हिल ले, मेरे एरो के रिकॉइल से जितना हिल रहा है उतना हिल रहा है। ओके आई थिंक उस स्पॉट से उसको हटाने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा उसे, सो दैट वो फिर से हिले, एंड नाइस अभी हिल गया बंदा, एंड पास जाओ तो फिर खड़ा हो जाता है। अरे कैसा है रे ये बोदड़ इंसान, अभी मैं मारूंगा अभी फिर खड़ा हो जाएगा एक जगह। भाई साहब बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा मारा।
भाई साहब एक बार में पूरा बोदड़ वोदड़ जो बोला था उसका बदला निकाल लिया बंदे ने। अरे बाप रे भाई, तू एक जगह रह, तू मत हिल प्लीज मत हिल, तू एक ही जगह खड़े रहे, तू नहीं है बोदड़, प्लीज एक जगह खड़े हो जा। मत हिल भाई तू बिल्कुल। अरे राम, एरो खत्म कर दिया बंदे ने, 3 स्टैक खत्म कर दिया बंदे ने। भाई कितनी हेल्थ है इसकी, बचे अपने पास ये वाली शिप है, अच्छा खासा एरो का जुगाड़ हो जाएगा यहाँ से। यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या फेंकूँ। हाँ ओए अंदर कहाँ से आया तू, ऊपर क्या करने गए? अरे ठीक है तोड़ दरवाज़ा। लोगों की प्रायोरिटी अलग है लाइफ में, मेरे को छोड़ के उसको ऊपर दरवाज़ा तोड़ने में मज़ा आ रहा है। सही है ठीक है। कर लो मज़े और क्या भाई, पता ही नहीं चल रहा हेल्थ कितनी यार इसकी। डूड और 2 स्टैक एरो मत खा जा तू प्लीज़। मरा 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 फाइनली भाई साहब, बरसों के बाद मरा। अभी आई एम होपिंग कि एटलीस्ट 25 से 30 केल तो देना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा था बंदा तो एटलीस्ट 30 केल तो देना ही चाहिए ना। 14 ही हुई भाई, पहले की 3 11 स्केल दिया है बेशरम ने, इतना बड़ा बंदा है, 4 स्टैक एरो वेस्ट किए उसके लिए और 11 स्केल दे रहा है बंदा। अरे भाई साहब कैसे कंजूस लोग भरे पड़े यार यहाँ पे। अभी मुझे 3 कलर से अपना आर्मर सेट बनाना है। अरे बाप रे कैसे करूँ, मे बी अगर मैंने डीप ब्लू का चेस्ट प्लेट बनाया बिकॉज वो ज़्यादा है, एंड रेड स्केल का हेलमेट बनाया तो यार कलर मैच नहीं करेंगे। अरे यार फैशन का ज्ञान किसको है बताओ भाई, जिसको फैशन का ज्ञान है वो बताओ कौन किस पे क्या सूट करेगा, मेरा दिमाग चकरा रहा है इस बात पे। तो फिलहाल के लिए अपन ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशन लगा के लेट्स सी कौन सा अच्छा दिख रहा है। दिख तो सारे भद्दे रहे हैं लेकिन उसमें से मतलब सबसे कम भद्दा जो दिख रहा है ना वो मुझे चूज़ करना है जिसको मैं अपना आर्मर रखूं। बट अगर मैंने यहाँ पे चेस्ट प्लेट ये वाली चेंज की, नहीं रेड रखी यहाँ पे अगर, एंड हेलमेट को ब्लू किया, नॉट बैड। बट अगर वॉयलेट, जूते बड़े अजीब से दिख रहे वॉयलेट, बट उनको ब्लैक जूते करूँगा उतने मेरे पास स्केल नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने ब्लू हेलमेट किया तो, बट जामुनी जूते करने के लिए मेरे पास फिर से स्केल कम पड़ जाएगी। अरे राम, आई थिंक अगर मैं सबसे कम भद्दे वाले इसमें जाऊँ तो लेफ्ट साइड के तो 3 भद्दे दिख रहे हैं, उनको छोड़ दो उनसे कुछ नहीं हो सकता। राइट के जो 2 हैं उनमें से ये वाला थोड़ा कम भद्दा दिख रहा है, ये पता नहीं यार दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ मैं कौन सा ज़्यादा भद्दा दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया एंड ये डेफिनेटली भद्दा दिख रहा ज़्यादा, सो रेड हेलमेट तो बिल्कुल नहीं रख सकते, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो और ज़्यादा भद्दा हो गया। अरे राम क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके तो घंटों के सोच विचार के बाद मैंने सोचा है कि पर्पल चेस्ट प्लेट रहेगा मेरा, उसके बाद हेलमेट मेरा ब्लू रहेगा, उसके साथ पैंट अपना मैचिंग रहेगा ब्लू, सो ये भी रहेगा। अभी जूते के लिए ब्लू एक ऑप्शन बचता है बिकॉज लाल जूते तो पहने वाले में, एंड पर्पल जूते के लिए बचा ही नहीं है कुछ, सो या दैट्स माई ड्रेस आई गेस। ओ डिफेंस ही नहीं है मेरा उतना। अरे राम ये पहले क्यों नहीं देखा मैंने, 3 लेवल चाहिए, शिट मैन। ठीक है सामने स्पॉनर है, थोड़ी बहुत तो एक्सपी मिल जाएगी यहाँ से, एटलीस्ट 1 लेवल तो बढ़ा पाऊँगा मेरा। हाँ एग्जैक्टली यस। ओ नो 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 नो, 3 3 वैक्स क्यों है यहाँ पे। अरे बाप रे नहीं भागो, नहीं चाहिए यहाँ से कुछ लेवल, नहीं चाहिए मेरे को। वो तो वो आ गए उड़ते हुए पंछी, क्या बोलते हैं उनको, नाम भूल गया मैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को। अपन चुपचाप कहीं और से एक्सपी कलेक्ट करेंगे। ये अलग ही कलर का बंदा है भाई, क्या 100 कलर के सीजर पेंट है यार इसमें, ऐसा अतरंगी आर्मर बनाना पड़ता है इनके कारण। वो दहल ये क्या हो गया, डोंट टेल मी कोई और स्ट्रक्चर स्पॉन हुआ। ओ ना इस ओके ठीक है, वेस्ट स्टोन चाहिए था मेरे को, थैंक यू तुमने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर स्पॉन करा दिया मेरे लिए। बट पहाड़ तोड़ के क्यों किया है भाई, वहाँ पे बेचारे 2 ड्रैगन रहते थे, उनका तुमने घर तोड़ के वहाँ पे मेरे लिए स्ट्रक्चर स्पॉन करा दिया, विच आई अप्रिशिएट, थैंक यू मेरे इतना अच्छा ध्यान रखने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हारा गोल्ड चोरी करूँगा एंड फिर अपन वेस्ट स्टोन यूज़ करेंगे। ओके नाइस, एक और दिल मिल गया, अभी कहाँ पे आता है। ओ नाइस मेरे पैर का दिल बढ़ गया, वाओ मेरे पैर में भी दिल है। अभी ओ मेरे पास एक्सपी टॉम्ब है भाई, हो गया काम फिर तो। अभी लेट्स गो 17 18 19। ओ नो अरे राम, चलो ठीक है सेकंड वाला भी यूज़ करेंगे, लेट्स गो 21 एंड दिस इज 20। ओहो क्या दिख रहा हूँ मैं, आई एम द एक्वामैन। अभी एक और चीज़ करनी है मुझे कि जितने भी ये बॉबल है ना उन सब की क्वालिटी चेंज। अबे यार
हाँ ठीक है, इनकी क्वालिटी चेंज करनी मेरे को। सो ओह नाइस, पहली बार में, वाओ ओके दैट वाज फास्ट। ये प्लस टू हेल्थ बढ़ गई, अभी इसकी भी बढ़ाएंगे। व्हाट, ये इसके लिए ये नहीं लगता क्या? ओ मे बी इसके लिए एमरल्ड लगते हैं। ठीक है, अपन स्ट्रेंथ वाली रिंग की बढ़ाएंगे। प्लीज़ इसमें भी अंडाइंग आ जा। पनिशिंग में हेल्थ नहीं, अंडाइंग चाहिए इसमें भी, अपन को अंडाइंग चाहिए। गोल्ड बहुत है अपने पास, सो लेट्स गो। आ जा भैया अंडाइंग प्लीज़। हेल्दी हेल्दी बहुत बार आ रहा है यार, क्या चल क्या रहा है? आर्केन में अंडाइंग चाहिए अपन को, अंडाइंग से कम कुछ भी नहीं। अपने पास गोल्ड बहुत है वैसे भी, बहुत सारा अपन बर्न कर सकते, तो फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी गोल्ड लगे, आज अंडाइंग लेके रहेंगे हम। पनिशिंग नहीं, पनिशिंग अरे नहीं चाहिए भैया, दो दो बार आ रहे हो। हेल्दी नहीं चाहिए, अंडाइंग प्लीज़, अंडाइंग भाई साहब, पूरा का पूरा गोल्ड वेस्ट नहीं करना है मेरे को, प्लीज़ अंडाइंग प्लीज़। अरे हेल्दी नहीं चाहिए ना, अरे भाई नहीं चाहिए हेल्दी, कितनी बार हेल्दी आ रहा है। हाँ भाई ग्रेसफुल टीम हैट्रिक होगी ग्रेसफुल की। आरकेन नहीं, हेल्दी नहीं, अंडाइंग प्लीज भाई साहब, पूरा एक स्टैक वेस्ट हो गया मेरा गोल्ड। अरे आ जा रे अंडाइंग, एक स्टैक वेस्ट, अभी लेट्स सी दो स्टैक वेस्ट होते हैं से पहले। अंडाइंग मर गया, वो दो दो बार मिल गया, वाओ ओके दो अंडाइंग हो गए अभी। गार्डिंग तो नहीं, टूल बेल्ट को अपन कर सकते हैं ना, इसके लिए ये लगेगा अपन को लेदर, लेदर कितना है 9, इसमें कितने एक, ठीक है और नहीं है क्या मेरे पास, है ना 8 ओके 18 एंड इसमें है ओके ठीक है यहाँ पे ओ 19 बहुत हो गया, बहुत मिल गया मिल गया मिल गया। इसमें भी होपफुली अपन को अंडाइंग जल्दी मिल जाएगा, प्लीज़ अंडाइंग। नहीं हॉरिबल नहीं, नहीं हॉरिबल नहीं चाहिए भैया। आरके नहीं, नहीं स्पीडी नहीं, स्ट्रेंथिंग नहीं, आर्मर नहीं, ग्रेसफुल नहीं, स्ट्रेंथिंग नहीं, ग्रेसफुल नहीं, हेल्थी नहीं, हेल्दी नहीं, अपन को अंडाइंग चाहिए भाई। कितनी बार हेल्दी आता है यार, आई थॉट कि हेल्दी एकदम ऐसा एकदम रेयर वाला है क्वालिटी, लेकिन आज इतनी बार देख लिया ना मैंने, मेरे को लग रहा है कॉमन है हेल्दी लाना। अनडाइंग बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बाप रे आ गया, लिटरली क्लिक करने वाला था मैं एक और बार। अभी सबसे पहले अपने हेलमेट पे प्रॉट 4 लगाऊंगा, बिकॉज फॉर सम रीज़न सबको मेरा सिर बहुत पसंद है एंड सबको इच्छा होती है कि मेरा सिर फोड़ दे, सो उसको बचाना पड़ेगा। एंड नाउ आई एम अ बाहुबली, बिकॉज जैसा कि तुम देख सकते हो पानी में मुझे स्ट्रेंथ 4 लग गई है, जो कि टाइड गार्डियन की स्पेशलिटी है। सो अभी कुछ भी करके सीजरमैन मेरा पानी में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी पानी में रहूँगा, वो भी पानी में रहेगा, सो स्ट्रेंथ 4 मेरे आर्मर में लगा रहेगा। एंड फिर उसके पीछे मैं ऐसा स्नीक इन करके जाऊँगा, उसको बिना पता चले ठप सी सरपेंट डाउन हो जाएगा, मुझे एक्सपी मिल जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। वाओ व्हाट अ प्लान। A few moments later. Wait, 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 wait. भाई साहब कहाँ से पूर्ति आ गई इसमें? जब पहले इसको मार रहा था तो बोधोड़ सामान खड़ा था, ये क्या है ये? अरे भाई रुक जा, ओए रुक रुक जा भाई साहब, कितना एनर्जी आई, कहाँ से इतनी एनर्जी इसमें? हाँ चलो एटलीस्ट इट्स गुड टू नो कि कितना भी आर्मर अपग्रेड कर लो तो मरने वाले हो। सो पूरे एपिसोड में हमने अपने लिए एक सीजर पेंट आर्मर बनाया एंड फिर वो सीजर पेंट आर्मर खो दिया, वाओ। बट एटलीस्ट ओए ओके बट एटलीस्ट हमने कुछ दोस्त बनाए इनके जैसे, जो कि अपनी कोई मदद नहीं करेंगे। तो इसी थॉट को लेके अपन आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।